तो अब नया क्या रिलीज हुआ है ये चीज हमको समझना है, चीज जानना है ना। प्रणाम कर लो इन्हें जो भी करना है। इस जो पॉलिसी रिलीज हुई है इसकी ऑब्जेक्टिव क्या, इसका उद्देश्य क्या यार। ये सिर्फ आपका ही परफॉर्मेंस नहीं इंक्लूड होगा, आपके परफॉर्मेंस से ही नहीं आपका रिजल्ट बनेगा। मैं बोला हूँ यार, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पानी वानी लेके अपने पास पास बैठे रहो, है ना यार, हो सकता है घबराहट हो। सो हे गाइस, दिस इज अपसे कैन वेलकम यू ऑल इन दिस प्लेटफॉर्म। तो गाइस, जिसका था आपको इंतजार वो न्यूज आ गया है मेरे यार, है ना यार। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था यार, थोड़े दिन का बस इंतजार करना था और फाइनली ये न्यूज आ गई यार। बहुत बड़ी अपडेट है ना यार, बहुत बड़ी अपडेट आई है। जितना डर जितना घबराहट आपको उस समय नहीं लगा होगा कि जब आपका एग्जाम कैंसिल हो गया था, इतना घबराहट अब ज्यादा हो रहा है यार कि फाइनली ये जो चीजें आ गई है, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया जो सीबीएसई बोर्ड ने अब हमारे आपके सामने रख दिया है यार, इतने लंबे लंबे पेजेस और इतने सारी बातें यार। तो यार कोई बात नहीं यार, मैं फटाफट मैं फटाफट इन पेजेस को आपको इस स्क्रीन पे शो कर दूंगा और फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा क्या चीज़ें इसके अंदर लिखी, आपकी काम की बातें क्या है, आपकी फ़ायदे की बातें इसमें क्या लिखी गई हैं, है ना यार। तो यार देखो, मैं फटाफट जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करूंगा और साथ में इस पीडीएफ को आपको कैसे एक्सेस करना है, कैसे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये भी मैं साथ में लास्ट में शो कर दूंगा, आपको बता दूंगा वो तरीका। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार पहली बात तो देखो, इनको देखो, है ना यार, प्रणाम कर लो इन्हें जो भी करना है, क्योंकि यही आपके बोर्ड्स के मार्क्स डिसाइड करते हैं ना यार। यही है जो आपके आपके बोर्ड्स का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं कि आप क्या, आपके नंबर्स कितने आएंगे और कैसे आएंगे, है ना। इन्होंने ही सारा क्राइटेरिया बना के आपको दे दिया। फाइनली गाइस, कल ये रिलीज हो गया है। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था यार, देखो हुआ क्या था, कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में यार आपकी सारी चीज़ें आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स को यार कैंसिल कर दिए गए थे ना। 10th के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था और 12th के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था यार, है ना। जो आपके क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम 4 मई से 7 जून के बीच में होना था यार, वो अब कैंसिल कर दिया गया था। और कैंसिल करने के बाद उसी समय यार ये नोटिफिकेशन बता दी गई थी, जो आपके मार्क्स मिलेंगे यार वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से मिलेंगे, है ना। और साथ ही साथ जो भी इस नंबर से सेटिस्फाई नहीं होगा वो एग्जाम दे सकेगा बाद में, मतलब सिचुएशन जब सही हो जाएंगे तो बाद में आप एग्जाम दे देना, है ना। ये चीजें पहले ही बता दी गई थी। तो अब नया क्या रिलीज हुआ है ये चीज हमको समझना है, चीज जानना है ना। कहीं भी इधर उधर से यार अपने आप को भ्रम में मत डालो, सही चीज को जानो और समझो, है ना। फटाफट से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो यार, ये पीडीएफ आपको पीछे दिखता रहे कोई दिक्कत नहीं यार, मैं फटाफट आपको स्पिक करता रहूंगा जो जो चीजें इसमें लिखी गई है ना, ताकि चीजें आप सुनते हुए समझ जाओ और लास्ट में आप इसे देख लेना डाउनलोड करके क्या चीज लिखा है ना। तो यार देखो, फटाफट रीड करते हैं। तो यार देखो, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड का कहना है यार, इनके पास कई सारे चैलेंजेस थे कि यार एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, है ना यार, इन एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी नंबर हमको देना है, साथ में साथ वो फेयर होना चाहिए, है ना, ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए कि लोग, मतलब जो बच्चे हैं उसे सेटिस्फाइड रहे एकदम, है ना। तो ये इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि बिना एग्ज़ाम के कैसे दे। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को इंट्रोड्यूस किया है अपने सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, ताकि उससे आपका सही असेसमेंट हो सके, है ना। तो देखो, ये जो पॉलिसी रिलीज हुई है इसकी ऑब्जेक्टिव क्या, इसका उद्देश्य क्या यार। तो यार इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यही था यार कि जो भी आपके पास आपका रिजल्ट पहुंचे तो आप उससे सेटिस्फाइड रहे, है ना, वो रिजल्ट रिलायबल रहे, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल रहे, है ना, मतलब चारों तरफ से आप संतुष्ट हो जाएं, यही इसकी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव। और सबसे सही बात कि आपको जरा सा भी उसमें शक ना हो, है ना, एकदम फेयर रहे, यही इस पॉलिसी का उद्देश्य था। तो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फटाफट। तो गाइज, ये देखो प्रोसीजर, यही चीज़ मेन है। अभी तक तो ये कहानी चल रही थी यार बकवास, लेकिन अब मेन है कि प्रोसीजर क्या है, कैसे स्टूडेंट्स का असेसमेंट करना है, ये चीज़ इस पूरे लाइंस में लिखी गई है ना, इस पूरे स्टेटमेंट में लिखा गया है। तो मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी जल्दी से, बिना किसी देरी के। तो देखो यार, 100 मार्क्स का जो पहला पॉइंट लिखा है आप देख पा रहे हो ना, और नहीं देख पा रहे सुनो यार फटाफट से। 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना था आपके, मतलब कि टोटल आपके जो सब्जेक्ट होंगे, चाहे भी 4, 5, 6 सब्जेक्ट हैं, 100-100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है ना। उसमें भी 100 मार्क्स में आपके मिलने थे 80 मार्क्स आपके थ्योरी के मिलने थे, 20 मार्क्स आपके स्कूल देगा यानी इंटरनल असेसमेंट के मिलना था, यही चीज़ डिसाइड हुआ था यार शुरू से, है ना। लेकिन 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 यार, वो 20 मार्क्स तो स्कूल ने अपलोड कर दिया, मतलब स्कूल ने तो चढ़ा दिया आपका, लेकिन आपका यार 80 मार्क्स का थ्योरी रह गया, मतलब कि एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया ना भाई। एग्ज़ाम जब कैंसिल हो गया तो 80 मार्क्स कहाँ गया, कैसे मिलेगा। यही चीज़ का प्रोसीजर इस पूरे स्टेटमेंट, और यही आपके काम का है यार, है ना, कि जिसके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं या जिसके टेस्ट नहीं हुए, पीरियोडिक टेस्ट नहीं हुए हैं, प्री बोर्ड्स नहीं हुए हैं, तो कैसे वो 80 मार्क्स आपको मिलेंगे,
उनमें से कैसे आपको मिलेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे पॉलिसी में, है ना यार। तो देखो 20 मार्क्स आपको ए मिलना था, 80 मार्क्स थ्योरी का, तो 80 मार्क्स अब आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज आपको 80 मार्क्स कैसे मिलेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ फटाफट से। ये देखो क्या लिखा है यार, दो पॉइंट्स आपके बारे में लिखे हैं, कैंसिल हो चुके हैं आपके एग्जाम, लेकिन 80 मार्क्स ऐसे मिलेंगे कि गाइस देखो जितने भी आपके एयर एंड मतलब पूरे साल भर में साल भर के दौरान जितने भी आपके एग्जाम हुए, जितने भी आपके टेस्ट हुए हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, जो भी आपके असेसमेंट हुए हैं, प्रोजेक्ट हुए, फाइल हुए, जो भी यार फलाना ढिमाका है ना, तब उन सबके मार्क्स को इसमें शामिल इंक्लूड किया जाएगा, ये आपकी रिपोर्ट तैयार करने में 80 मार्क्स की है ना। और साथ ही साथ आप ये सिर्फ आपका ही परफॉर्मेंस नहीं इंक्लूड होगा, आपके परफॉर्मेंस से ही नहीं आपका रिजल्ट बनेगा। सीबीएसई बोर्ड ने साफ साफ ये भी कहा है यार कि आपके स्कूल का जो प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस है ना, वो भी आपके मार्क्स को पूरी तरह से इफेक्ट करेगा, है ना यार। वो भी आपके मार्क्स को डेवलप करने में, इजी तरीके से कैलकुलेट करने में, उसका प्रीवियस मतलब उस स्कूल का भी प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस है ना, आप समझ रहोगे, तो यार वो भी इफेक्ट करने वाला है। तो यार ये दो चीज़ों से आपके 80 मार्क्स तैयार होंगे। और चलो डिटेल में जानते हैं क्या लिखा है इस चीज पॉलिसी में। तो गाइज लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी, तो देखो एक सभा बनाई जाएगी है ना यार, मतलब आपके रिजल्ट को तैयार करने के लिए एक सभा बनाई, कमेटी बनाई जाएगी। तो जिसमें क्या क्या चीजें रहेंगी मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें यार लिखा गया है साफ साफ, पहले दो लाइन में लिखा गया है, एक प्रिंसिपल सर रहेंगे आपके स्कूल के, प्लस आपके साथ मतलब उस कमेटी में 7 महान शिक्षक रहेंगे, है ना यार, 7 टीचर्स रहेंगे, जिसमें 5 आपके स्कूल के रहेंगे, 2 जो रहेंगे वो आपके पड़ोसी स्कूल आस पड़ोस के, जो भी आपके स्कूल के द्वारा अपॉइंट किए गए वो 2 टीचर्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि साथ में जो आपके स्कूल के 5 टीचर जब नंबर चढ़ा रहे होंगे, जब कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो साथ में वो भी बाहर के भी 2 टीचर रहने चाहिए, ताकि ये चीज़ें वो भी देख सके, हाँ ट्रांसपेरेंट हो रहा है कि नहीं चीज़ें, मतलब सब कुछ फेयर हो रही है कि नहीं, उनके भी दिमाग में वो चीज़ें चलनी चाहिए यार कि नंबर कैसे कैसे कैलकुलेट है, हाँ पे इस स्कूल में दिए जा रहे हैं, है ना, इसी वजह से वो 2 टीचर एक्स्ट्रा अपॉइंट किए जाएंगे अदर स्कूल के, आपके स्कूल के वो नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और अब आपको ये भी जानना होगा वो 5 टीचर कौन से, मतलब 5 ही टीचर क्यों किए गए हैं। देखो सेडी सिंपल सी बात है यार, 5 टीचर रहेंगे आपके मैथमेटिक्स के, साइंस के, सोशल साइंस के, प्लस 2 आपके लिटरेचर सब्जेक्ट्स के, है ना यार, जिसमें जैसे लिटरेचर सब्जेक्ट आप जानते हो यार, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आता है यार, ये सब आपके लिटरेचर सब्जेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह मिला के आपके 5 इस तरह के टीचर रहेंगे, और 2 अपॉइंट किए जाएंगे आउटर स्कूल से आपके, जो नेबर स्कूल है ना, आप समझ गए होंगे। अब सुनो फाइनली गाइस, ये थोड़ा सा इसके नीचे लिखा है कि भैया कि मतलब उनकी फायदे की बात लिखी है, आपके फायदे की बात नहीं है ना, कि जो एक्सटर्नल टीचर आएंगे उनको 2500 पर पर्सन मिलेगा बोर्ड की तरफ से, और जो इंटरनल टीचर होंगे यार उनको 1500 रुपया पर टीचर मिलेगा, है ना, ये तो आपके काम की बात नहीं, तो उनकी फायदे की बात है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे फटाफट से। ये देखो यार, ये आपके काम की बात, देखो यहाँ पे देखो मैं बोला हूँ यार, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पानी वानी लेके अपने पास पास बैठे रहो, है ना यार, हो सकता है घबराहट हो और ज़्यादा मतलब हो तो थोड़ा पी लेना, है ना। तो यार देखो ये क्या चीज़ लिखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट। ऐसा नहीं होगा यार, सुन लो, ऐसा नहीं होगा कि आपके नंबर मतलब कुछ भी धुआंधार चढ़ा दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे, कोई भी ज़्यादा कर दिए जाएगा अचानक, ऐसा नहीं होगा, है ना। सबका रिकॉर्डिंग मतलब सबका सबूत और गवाह पेश किया जाएगा, है ना यार, वो सारा फाइल में मेंटेन किया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपके सबमिट रहेंगे हर चीज़, ताकि आप अगर आप जाके एक महीने बाद भी रिजल्ट के आप वो चीज़ अपील करो, तो वो चीज़ स्कूल आपको दिखा सके, नहीं भैया हमने तो आपका नंबर एस बेसिस पे, इस बेसिस पे आपका नंबर दे दिया है ना। तो यार ये चीज़ इसमें पॉइंट में लिखा हुआ है। तो यार गाइज अब जान लेते हैं यार, देखो तो गाइज अब जान लेते हैं यार कि ये आपके 80 मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना, ये छोटी टेबल आपके सामने बनी हुई देख लो फटाफट से, ये ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आपके 80 मार्क्स बनेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो लिखा है ना कि पीरियोडिक टेस्ट हो गया आपका, यूनिट टेस्ट हो गया, ये आपके 10 मार्क्स को मतलब 10 मार्क्स में स्कोर किए जाएंगे। साथ ही साथ जो आपका लिखा है मिड टर्म एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी जो हाफ ईयरली अर्धमासिक परीक्षाएँ हैं उनके स्कोर को 30 मार्क्स में कन्वर्ट करके काउंट किया जाएगा। और साथ ही साथ आपके जो प्रीबोर्ड्स हैं, है ना, जो प्रीबोर्ड्स के मार्क्स हैं उसको 40, है ना, जो लिखा है यार देख लो आप पीछे, जो 40 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 40 के स्कोर में। तो टोटल कितना हो गया फटाफट, 40 30 70 प्लस 10 80, यानी आपके हो गए टोटल 80 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको 80 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल के जो ऑलरेडी कई सारे स्कूलों में मिल चुके हैं ना यार, वो नंबर आपको दे दिए जा चुके हैं। तो फाइनली गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो गाइज देखो जहाँ पे भी आपके बहुत सारे प्रीबोर्ड एग्जाम हुए हैं, जैसे कि कई स्कूल में 2 हुए हैं, कई स्कूल में 3 हुए हैं,
है ना। तो यार उनमें से जो भी तीन में से आपके बेस्ट परफॉर्मेंस लिए जाएंगे, या हो सकता है सूटेबल के अगर ना हो तो फिर भी हो सकता है कि आपका जो है उनका एवरेज ले लिया जाए, है ना यार। एवरेज पीरियोडिक जो भी आपके प्रीवोर्ड्स हुए हैं उनका एवरेज मार्क्स ले लिया जाए। तो गाइज फाइनली ये आगे लिखा है यार कि जहाँ भी आपके प्रीबोर्ड एग्जाम नहीं हो पाए हैं, असेसमेंट नहीं हो पाया है, तो उनका आपका क्राइटेरिया कैसे बनेगा, कैसे उनके मार्क्स अलॉट होंगे, ये चीज़ को डिसाइड करने से पहले जो टीचर्स जो कमेटी बनाई गई है ना, उनको ये चीज़ बहुत फेयरली डिसाइड करना पड़ेगा। साथ ही साथ रिटर्न में वो चीज़ लिखनी पड़ेगी या कि नहीं, हम इन बच्चों का जो है ऐसे करके असेसमेंट करके इनका 80 नंबर का मार्क्स ऐसे अलॉट करेंगे, है ना। ये चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूँ सबको 80 में, लेकिन 80 नंबर में मार्क्स कैसे अलॉट होंगे ये चीज़ उनको लिखित रूप में लिखना पड़ेगा कि नहीं भैया इन बच्चों का ऐसे ऐसे अलॉट किया गया है नंबर। आई होप आप समझ रहे होंगे। फाइनली गाइज ये चीज आ चुका है कि यार क्या लिखा, तो फाइनली गाइज ये लिखा है असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। कि देखो इसमें लिखा क्या है, मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ कि इसमें ये लिखा है कि जो भी आपके स्कूल में नंबर मिलेंगे, है ना यार, जो भी आपके स्कूल की तरफ से नंबर मिलेंगे उसे कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए किसी और भी स्कूल से, क्योंकि आपके स्कूल में हो सकता है एग्जाम किसी और मोड में हुए, ऑफलाइन ऑनलाइन हुए हो, या किसी में पेपर का लेवल भी यार अलग अलग होता है सब स्कूल में, है ना। तो वो चीज़ को कंपेयर तो नहीं किया जाना चाहिए, ये ऐसा ये बोलते हैं ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं तो सिर्फ इनकी बातें बता रहा हूँ आपको, तो है ना यार। तो देखो सुनो, अच्छा इसमें यार एक चीज़ लिखी है कि देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो स्कूल होगा वो आपका मार्क्स इंटरनली मॉडरेट करेगा, है ना, उसके टेंशन आप छोड़ दो, मतलब आपको ग्रेस मार्क्स स्कूल की तरफ से भी मिलने वाले हैं यार। ये देखो सबसे बड़ी बात है, पिछले साल CBSE ने थोड़ा ग्रेस मार्क्स दिया था, इस बार स्कूल भी आपको ग्रेस मार्क्स दे रहा है, यार इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है बताओ। तो यार ये चीज़ तो उसमें साफ साफ लिख दिया है, अब वो किस बेसिस पे लिखा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन्हें आप चाहे तो रीड कर लेना, मैं शॉर्ट में फटाफट बता दे रहा हूँ। जैसे कि इस स्कूल का जो प्रीवियस परफॉर्मेंस रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, उससे वो डाटा कलेक्ट कर सकता है, ले सकता है कि भैया कैसे नंबर देना है, मतलब कि अपने प्रीवियस ईयर का एवरेज निकाल सकता है कि भैया मेरे स्कूल में इतना परसेंटेज गया था तो मैं उस हिसाब से इस बार का परसेंटेज बनाऊंगा, तो ये चीज़ कर सकता है स्कूल। और याद रखना है, जो भी रेफरेंस ईयर स्कूल आपका मानता है कि प्रीवियस, मतलब मैं इस साल को अपना रेफरेंस ईयर बनाता हूँ, है ना, इसी के थ्रू मैं अपने आने वाले जो इस साल का रिपोर्ट तैयार करूँगा, याद रखना उसके एवरेज या फिर उसके मार्क्स से ज़्यादा परसेंटेज नहीं क्रिएट कर पाएगा स्कूल। मेरे स्कूल का जो है पिछले साल रिपोर्ट गया है भैया कि 70% गया टोटल, मतलब इस बार भी यार 70% ज़्यादा रिजल्ट नहीं बना पाएगा स्कूल, है ना, या 90% जिस स्कूल में गया होगा रिजल्ट वो 90% से ज़्यादा नहीं दे, उससे कम तो दे सकता लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे पाएगा, ये चीज आप समझ रहे हो यार। बढ़ते फटाफट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यार जिस स्कूल के पास डाटा सिर्फ 2 साल का ही है यार, तो उनमें से कोई वो बेस्ट ले सकता है, है ना। तो यार जिसके पास एकदम कोई डाटा ही नहीं है, प्रीवियस रिकॉर्ड ही नहीं है, तो यार अपने डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट या नेशनल लेवल के जो आपका एग्जामिनेशन प्रीवियस कंडक्ट हुए हैं उनके बेसिस पे उनके एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करके उससे रिपोर्ट अपनी तैयार करेगा, है ना। तो फाइनली गाइज बता दूं मैं आपको, आपका स्कूल जो है अगर डाटा आपको नहीं मिलेगा, उसे सुटेबल नहीं लगेगा, तो याद रखना यार क्लास 9th का भी डाटा है ना, क्लास आपके जैसे आप बोर्ड एग्जाम अभी देने वाले थे तो आपके क्लास 9th का भी रिकॉर्ड हुआ देख सकता है, है ना, वो टीचर्स की कमेटी आपके क्लास 9th के रिकॉर्ड को यूज कर सकती है उस डाटा को मैनिपुलेट करने में, मॉडरेट करने में। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे, है ना। तो यार बढ़ते फटाफट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और यार लास्ट में इन्होंने कहा है कि हम एक पोर्टल बना देंगे अपना CBSE का, उसमें जिसमें आपका स्कूल जो है फाइनली उस डाटा को जितने भी डाटा उसने निकाला है कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, वो फाइनली उस चीज़ को अपलोड कर पाएगा, है ना, वो एक पोर्टल अवेलेबल कर दिया जाएगा CBSE की तरफ से। तो यार फटाफट चलते हैं और काम की बातें क्या लिखी इसके अंदर से निकालते हैं। उसके बाद यार ये देखो क्या लिखा है, सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना, कि मतलब जो रिकॉर्ड्स है जो भी एविडेंस आपके बनाए जाएंगे कि भैया इस बेसिस पे हमने इनके स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं, वो बहुत ही सेफ तरीके से रखा जाए ताकि बाद में फ्यूचर में हो सकता है CBSE उसे कॉल करे कि भैया कोई दिक्कत आ जाए कि चेक करने के लिए, है ना, तो उस चीज़ का एविडेंस आप पहले ही बता चुका हूँ, उस चीज़ का एविडेंस रहना चाहिए उस स्कूल के पास हर स्टूडेंट का, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो क्या नेक्स्ट पॉइंट में भी वही लिखा, वेरिफिकेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स बाय CBSE, है ना, अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ पाया जाता है, बहुत ज़्यादा लो लेवल मतलब बहुत ज़्यादा कम मार्क्स पूरे अलॉट कर दिए गए या बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स, तो अपनी CBSE टीम भेज सकता है उस मार्क्स को उस एविडेंस को देखने के लिए कि कहाँ डॉक्यूमेंट, भैया दिखाओ अपना डॉक्यूमेंट कैसे नंबर दिए उनको चेक करना है ना।
तो यार ये चीज इस पॉइंट में लिखी हुई है। बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो गाइस में लिखा है एक्शन अगेंस्ट नॉन कॉम्प्लायंस, है ना। अगर आपका स्कूल इन केस में गलत अनफेयर मींस को फॉलो करता है ना, गलत तरीके को फॉलो करता है कि जैसे कि ज्यादा नंबर बहुत ज्यादा मॉडरेट कर दिया या बहुत ज्यादा कम दे दिया है, तो उस चीज में अगर बोर्ड को ये पता चल जाएगा, अगर CBSE ने ये क्लियरिफाई कर दिया कि नहीं आपका स्कूल जो है बहुत गलत तरीके से मार्क्स दिया है, तो हो सकता है उस स्कूल पे फाइन लग जाए, उस स्कूल का एफिलिएशन खत्म हो सकता है, और साथ ही साथ हो सकता है वो अगले बार से वो आपका 10th का या किसी भी स्टूडेंट का 10th का रिजल्ट ना डिक्लेयर कर पाए, है ना। ये चीज़ सस्पेंड किया जा सकता है इस चीज़ को। तो इस रही स्कूल के यार मतलब स्कूल की पनिशमेंट की बात कर दी गई है। तो बढ़ते फटाफट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और क्या लिखा है? तो गाइस ये लिखा है कि यार एक बार अगर डाटा अपलोड हो गया तो वो फाइनलाइज कर दिया जाएगा, कि मतलब फिर वो आपका कोई रिक्वेस्ट मान्य नहीं होगा, चाहे आपका स्कूल करे चाहे कोई भी करे, है ना। तो एक बार अगर डाटा अपलोड कर दिया गया, इसलिए ये स्कूल की बात कही जा रही है ना फाइनली, कि भैया जो स्कूल वाले जो कमेटी बनाई गई वो फाइनली उस डाटा को रीड कर ले अच्छे से 2-4-5 बार, कि नहीं वैसे सही चढ़ाया हूँ और सही अपलोड कर रहा हूँ, है ना। अब ऐसा नहीं कि 96 के टाइप कर 69 चढ़ा दिया फिर वो तो गया, फिर है ना दोबारा करेक्शन नहीं करने का मौका मिलेगा। इससे बेसिक कहता है यार कि अपना डाटा अपलोड करने से पहले एक बार मैच, 2-3 बार मैच कर लेना कि सब सही है कि नहीं। तो यार अब उन कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं जो उनका कोई भी असेसमेंट नहीं हुआ है, है ना, कोई किसी भी तरीके का असेसमेंट नहीं कर पाए, तो उनका क्या होगा? तो यार उनका यही होगा यार कि मतलब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया गया है, अलग अलग तरीके से उनका असेसमेंट बाद में भी किया जा सकता है ना। देखो पूरी कोशिश है ताकि स्टूडेंट को फेल ना किया जाए यार इस बार, पूरी एकदम 100% यही कोशिश है, पूरे क्राइटेरिया पॉलिसी आपको यही दिखेगी यार कि उनको फेल ना किया जाए, कोई ना कोई तरीका लगा के यार उनको पास कर दिया जाए, है ना। तो यार यही चीज़ है। तो इसमें आपको टेलीफोनिक असेसमेंट मतलब फ़ोन कॉल करके या कुछ क्वेश्चन पूछना, क्विजेस लेना, ओरल टेस्ट लेना, फलाना डिमाका, ये सब चीज़ लिखा हुआ है यार इस पॉइंट में। तो बढ़ते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब वो कैंडिडेट्स यार अवर, वो कैंडिडेट जिनका बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, है ना, जो पूरे स्कूल नहीं जा पाए यार किसी भी वजह से स्कूल नहीं जा पाए, उनका क्या होगा? तो देखो यार उनका असेसमेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन लगाया जा सकता है, या पोर्टफोलियो, या ओरल टेस्ट, क्विजेस, इन सब के बेसिस पे तैयार की जाएगा उनका असेसमेंट का रिजल्ट, है ना यार। अच्छा इस पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि यार जिसका 5 सब्जेक्ट ज़्यादा रिजल्ट अगर कैसे तैयार, मतलब जिसके 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा हैं उनका रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। बड़ी आसान सी बात है यार, 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट तैयार करने के बाद जो भी आपके बेस्ट 3 होंगे उसका एवरेज लेके, है ना, उसका एवरेज से वो चीज़ आपकी 6वें सब्जेक्ट की रिजल्ट तैयार की जाएगी, है ना। तो उसकी चिंता कोई बात नहीं, अगर आप 5 में से मतलब बढ़िया गए हैं 3, कोई भी 3, तो उनके नंबर का एवरेज लेके बढ़िया से जो 6वें सब्जेक्ट है उसका भी रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा, है ना। तो बढ़ते फटाफट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फाइनली गाइज ये भी बहुत तगड़ी बात लिखी गई यार, ग्रेस मार्क्स बाई CBSE। अब बताओ यार, मतलब स्कूल आपका दे रहा है प्लस आपका CBSE बोर्ड भी फाइनली ग्रेस मार्क्स देगा, मतलब ऐसा होगा ना यार कि स्कूल अपने अपना सब चढ़ा देंगे कुछ ना कुछ, है ना। फिर लास्ट में यार CBSE को ओवरऑल नेशन वाइज मतलब पूरे राष्ट्र में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना, किसी के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए किसी भी CBSE स्कूल में, तो वो भी अपने तरीके से एक ग्रेस मार्क्स अप्लाई कर देता, जो भी उसका एल्गोरिथम है ना, जो भी उसका कंप्यूटर सिस्टम कहता हो, जिस तरह से उनके प्रोग्रामर बनाए हो, है ना, तो वो भी ग्रेस मार्क्स आपको प्रोवाइड कर लेगा। अब बताओ यार आप फेल हो कैसे सकते हो, मतलब पूरी तरीका लगा दिया गया है ताकि आप पास हो जाओ इस बार यार, है ना। और रही बात, मैं आगे वाले आने वाले वीडियोज़ में भी थोड़ी और बातें करूँगा इन सब के बारे में, अपना ओपिनियन भी रखूँगा और चीज़ों को और क्लेरिफाई करूँगा। अभी तो फटाफट हम ले पढ़ लेते हैं क्या चीज़। तो यार नए हो फटाफट सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन किए रहना, है ना यार। और फाइनली गाइज देखो अभी थोड़ी सी यार बैड न्यूज़ लिखी है यार कि अगर इतना करने के बाद भी अगर कोई नहीं पास हो पाएगा, मतलब जितना आप समझ रहे हो ना ग्रेस मार्क इतना सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं पास हो पाया, तो उसे इसेंशियल रिपीट में रखा जा सकता है, पूरे साल रिपीट में रखा जा सकता है, या हो सकता है उसको कंपार्टमेंट में डाल दिया जाए, है ना यार। लेकिन अब हमको लग नहीं रहा ऐसा किसी का भी हो सकता है, क्योंकि यार इतना ज़्यादा मिल रहा है, अब क्या चाहिए यार, हर तरीके से आप ही को दिया जा रहा है। तो फाइनली यार नेक्स्ट पॉइंट सर मूव करते हैं। तो यार ये लिखा है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का कंडक्शन, इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे जब ऐसा कुछ होता है ना यार। फाइनली यार फटाफट करते हैं कि परमिशन, अच्छा जब तक रिजल्ट आपका नहीं आ जा सकता आप अपने क्लास 11th को कंटिन्यू किए रहो, है ना यार। जैसा रिजल्ट आएगा या फिर कंपार्टमेंट लगेगा उसके रिजल्ट जब आएंगे तब उसके डेट्स जब आएंगे तब देखा जाएगा, तब तक आप अपने क्लास 11th की तरफ आप मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली गाइस एक छोटा सा पॉइंट और लिखा है स्ट्रीम इन क्लास 11th, मतलब कि क्लास 11th में आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो, स्ट्रीम का महत्व ही नहीं रह गया आप सही बताएं तो। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, है ना। आप यार कोई मैथ के साथ आप बायो ले लो, मैथ के साथ कॉमर्स ले लो,
कुछ भी ले लो यार, जो मन में आता है ले लो, लेकिन मतलब ऐसे तो नहीं ले सकते ना। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या किस बेसिस, अब बात भी कर चुका हूँ, आप चैनल जाके यार देख लो है ना, हाउ टू सेलेक्ट अ परफेक्ट स्ट्रीम या परफेक्ट सब्जेक्ट, किस बेसिस पे हमें लेना चाहिए, आप जाके चैनल पे देख लो, मस्त वीडियो है यार। तो फाइनली यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो यार ये लिखा है प्राइवेट स्टूडेंट के लिए जो पत्राचार हैं या फिर जो सेकंड कंपार्टमेंट के बाद भी, जो सेकंड कंपार्टमेंट स्टूडेंट है ना उनका बाद में आएगा, उनके लिए अलग असेसमेंट का स्कीम बाद में आएगा, अभी वो लोग थोड़ा इंतजार करें है ना गाइज। फाइनली गाइज इस पीडीएफ को आप जब पूरा रीड करोगे इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप रीड कर सकते हो है ना कि कैसे कैसे, थोड़ा सा बाकी मैं शॉर्ट में फटाफट चीजें आपको सही तरीके से बताते जा रहा हूँ, आप इन्हें डाउनलोड कैसे करना मैं आपको अभी लास्ट में दिखा दूंगा, थोड़ा देर और बने रहो यार। तो फाइनली यार अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट मुझे लगी मैं आपको बता देता हूँ, टाइम शेड्यूल है ना यार, घबराहट रहती मन में या लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कब क्या आएगा, तो देख लो यार एक चीज़ लिखा हुआ है फटाफट इसे स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो यार, आपका जो है रिजल्ट कमिटी फॉर्म होगी 5 मई तक, यानी फॉर्म कर देने चाहिए, लास्ट डेट उसका 5 मई है। तो यार दूसरा है आपका कि जो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है यार वो 10 मई तक आपको हो जाने चाहिए है ना, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद है जो आपकी डॉक्यूमेंट्स की तैयारी होगी गाइस, वो भी गाइस 10 मई तक आपकी पूरी होनी जानी चाहिए है ना, डॉक्यूमेंट से एविडेंस आपको तैयार करने स्कूल वालों के लिए यार, आपको बस मिलना है सब चीज है ना, जो असेसमेंट कोई भी असेसमेंट बीच में किया जाना है, मतलब नंबर नहीं सूटेबल मिल पा रहे हैं या फिर कोई दिक्कत की वजह से नंबर स्टूडेंट को नहीं मिल पा रहा है, कोई असेसमेंट कराना है, वो फाइनली गाइज आपके 15 मई तक हो जाने चाहिए स्कूल में। तो फाइनली गाइज जो आपका रिजल्ट फाइनलाइज होना है वो है 25 मई, आपको डेट दे दी गई है 25 मई तक फाइनलाइज कर देना है स्कूल को, मतलब बता रहा हूँ आपको तो बस पता चलेगा है ना यार। तो यार जो मार्किंग स्कीम को स्कूल को चेक करना है वो 28 मई डेट दी गई है, आप दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के सामने। और फाइनली गाइज 5 जून तक स्कूल को वो मार्क्स सबमिट कर देने हों, देखो भाई 28 मई तक वो मॉडरेशन पॉलिसी लगा के सब कुछ चेक करके है ना स्कूल को नंबर भी दे देना होगा, और फाइनली गाइस 5 जून को सबमिशन करना पड़ेगा स्कूल को है ना, जो भी जितने सारे नंबर हैं वो सबमिट कर देने होंगे 80 मार्क्स में से आपको कितने मिले। तो फाइनली गाइस 11 जून को आपको आपके स्कूल वो सबमिट कर देगा कि आपके 20 में से कितने मार्क्स मिले हैं है ना, 20 में से जो आपका इंटरनल असेसमेंट था। और फाइनली गाइस 20 जून को यानी 20 जून को यार आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा है ना यार, घबराहट खत्म हो रही है कि बढ़ गई है पता नहीं, कमेंट करते जाना यार, कहीं भी दिक्कत हो यार कमेंट कर देना खटाखट, मैं सबके आंसर देने की कोशिश करूंगा और पर्टिकुलर एक एक चीज़ का वीडियो बनाऊंगा यार, अगर कहीं भी दिक्कत आएगी है ना किसी भी ग्रेस मार्क्स या क्या ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होने वाले हैं, क्या ओरल टेस्ट, जो भी आपके कैसे नंबर बनेंगे या उन प्राइवेट स्टूडेंट का क्या होगा, हमारे एक एक चीज़ के बारे में एक वीडियो बना दूंगा है ना पर्टिकुलरली, अपना भी ओपिनियन साथ में रख के। तो फाइनली गाइस मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करोगे, बहुत ही आसान तरीका है यार, आपको नीचे एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का, चले जाना है आपको ये पेज दिख जाएगा है ना, इसमें आपको डाउनलोड पेज पे क्लिक कर देना, फट से डाउनलोड पेज पे क्लिक कर देना है, साथ में आपको ऊपर दिख जाएगा यार जिसे इसमें दिख रहा है नोटिफिकेशन का एक बड़ा सा आइकन दिख जाएगा, बस उस पर क्लिक कर देना है ना, जो नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर देना है आपको ये पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा है ना। तो यार समझ गए हो गया, तो यार कोई भी दिक्कत की बात नहीं, कमेंट कर देना यार वीडियो अगर पसंद आई हो है ना, मैं तो सारा चीज़ क्लियर कर दिया हूँ यार, चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ ये घंटा बटन भी दबा दो ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो यार मिलता हूँ फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।